सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स इंडियन टी20 लीग का मैच नंबर 50 सीधा आ रहा है हैदराबाद से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको बताते हैं हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट, कौन है टॉप प्लेयर्स, क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस, किस टीम के ज्यादा चांसेस है इस मैच को जीतने के, क्या रहेगा प्रिडिक्टेड स्कोर इस मैच को लेकर, ये सारा डेटा हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हैदराबाद वर्सेस राजस्थान, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में टॉप पोजीशन पर चल रही है, अभी तक 9 मैचेस खेले हैं जिसमें से 8 मैचेस जीती है, सिर्फ एक मैच हारी है राजस्थान रॉयल्स। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक 9 मैचेस खेली है जिसमें से 5 मैचेस जीती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है क्योंकि काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं दोनों ही टीम के प्लेयर्स। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर इस मैच को लेकर। तो अगर हैदराबाद पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 156 रन तक का टारगेट दे सकती है 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 157 तक का टारगेट दे सकती है 7 विकेट के नुकसान पर। अब अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो हैदराबाद अगर पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस मैच को जीतने के चांसेस ज़्यादा राजस्थान के हैं 6 विकेट के साथ। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस मैच को जीत सकती है 27 रन के मार्जिन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है वेन्यू एंड पिच के स्टैट्स। उसके लिए हम चलते हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पर। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेले जाने वाला है। अगर ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें तो 66 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री है, 69 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री है। पिच की अगर बात करें तो पिच स्ट्रांगली फेवर करती है बैट्समैन को, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यहाँ का, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने लाइनअप में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 192 रन्स का है। एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग की बात करें तो 6 विकेट्स हैं। टॉस ट्रेंड्स की अगर बात करें तो इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम ज्यादातर चेजिंग प्रेफर करती है, लेकिन वहीं अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट एंड चेजिंग के विनिंग चांसेस इक्वल हैं। बॉलर्स की अगर बात करें तो इस पिच पर पेसर्स एंड स्पिनर्स इक्वली परफॉर्म करते हैं, तो इवन सिलेक्शन रखिए अपने लाइनअप में पेसर्स एंड स्पिनर्स को लेकर के। इस IPL क्रिकेट सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि लाइव खेलिए भी क्रिकाजा पर। क्रिकाजा पर हैं 3000 प्लस कैसीनो गेम्स एंड 1000 प्लस स्पोर्ट्स। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए, साइन अप करिए क्रिकाजा पर, रेफर करिए अपने फ्रेंड्स को और पाइए अप टू ₹300। तो इस ऑफर को बिल्कुल जाने मत दीजिए, अभी ग्रैब करिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और साइन अप करिए क्रिकाजा पर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है टॉप प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स। उसके लिए चलते हैं हम स्टैट्स प्लेग्राउंड पर। स्टैट्स प्लेग्राउंड पर हमें कस्टमाइज डेटा मिल जाता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंस एंटर करा चुका हूँ, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ टॉप प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब अगर हम पर्टिकुलर पोजीशन वाइज बात करें तो विकेट कीपिंग पोजीशन पर लास्ट 5 मैचेस में 428 पॉइंट्स के साथ हैं जॉस बटलर, विकेट कीपिंग बैट्समैन है राजस्थान से। लास्ट 5 मैचेस में 322 पॉइंट्स के साथ हैं संजू सैमसन, विकेट कीपिंग बैट्समैन है राजस्थान से। लास्ट 5 मैचेस में 233 पॉइंट्स के साथ हैं हेनरिक लासेन, विकेट कीपिंग बैट्समैन है हैदराबाद से। बैट्समैन की अगर बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 339 पॉइंट्स के साथ हैं ट्रेविस हेड, बैट्समैन है हैदराबाद से। लास्ट 5 मैचेस में 302 पॉइंट्स के साथ हैं यशस्वी जायसवाल, बैट्समैन है राजस्थान से। उसके बाद अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 296 पॉइंट्स के साथ हैं नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर है हैदराबाद से। लास्ट 5 मैचेस में 231 पॉइंट्स के साथ है रियान पराग, ऑलराउंडर है राजस्थान से। उसके बाद लास्ट 5 मैचेस में 197 पॉइंट्स के साथ हैं शाहबाज अहमद, ऑलराउंडर हैं हैदराबाद से। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है टॉप बॉलर्स। तो लास्ट 5 मैचेस में 297 पॉइंट्स के साथ हैं टी नटराजन, हैदराबाद से हैं ये। लास्ट 5 मैचेस में 262 पॉइंट्स के साथ है संदीप शर्मा, बॉलर हैं राजस्थान से। लास्ट 5 मैचेस में 247 पॉइंट्स के साथ हैं पैट कमिंस, बॉलर हैं हैदराबाद से।
लास्ट 5 मैचेस में 213 पॉइंट्स के साथ हैं। आवेश खान बॉलर हैं राजस्थान से। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशन। तो जॉस बटलर राजस्थान से विकेट कीपिंग बैट्समैन है, संजू सैमसन राजस्थान से विकेट कीपिंग बैट्समैन है, ट्रेविस हेड हैदराबाद से बैट्समैन है, हेनरिक क्लासेन हैदराबाद से विकेट कीपिंग बैट्समैन है। अब आगे बढ़ते हैं और जनरेट करते हैं अपनी टीम यूजिंग कस्टम टीम बिल्डर। तो जाएंगे एडवांस सेक्शन में, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपना फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट करेंगे अपने बेसिस, पिक करेंगे अपना फॉर्मेशन। तो मैं 2 विकेट कीपिंग बैट्समैन अपनी लाइनअप में चाहूंगा। बैट्समैन की बात करें तो 2 से 3 चाहता हूं मैं अपने लाइनअप में बैट्समैन, ऑलराउंडर भी मैं 2 से 3 चाहता हूं, बॉलर की बात करें तो 3 से 4 बॉलर चाहता हूं मैं अपने लाइनअप में। अब अगर टीम सिलेक्शन प्रेफरेंस की बात करें तो राजस्थान के ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के, तो राजस्थान की टीम से मैं 6 से 7 प्लेयर अपने लाइनअप में रखना चाहूँगा। उसके बाद अगर टीम वेरिएशन की बात करें तो डिफरेंट टीम्स के साथ मैं जा रहा हूँ। वहीं अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की सेटिंग्स की बात करें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जा रहा हूँ। नंबर ऑफ टीम्स मैं 5 जनरेट कर रहा हूँ, आप अप टू 100 टीम्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ मुझे प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर हम अपने प्लेयर्स को एज अ प्रेफर्ड मार्क कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम से। तो मार्को जेनसन अभी लास्ट मैचेस कुछ खेल नहीं रहे हैं तो मैं इनको अभी एक्सक्लूड करना चाहूँगा अपनी टीम से। जॉस बटलर को प्रेफर्ड मार्क करना चाहूँगा, संजू सैमसन को भी रखना चाहूँगा अपनी टीम में, ट्रेविस हेड हेनरिक क्लासेन अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस IPL में, रियान पराग को भी रखना चाहूँगा, पैट कमिंस भी रहेंगे, युजविंदर चहल आजकल डेथ ओवर्स डाल रहे हैं, इसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट पहला ओवर पहला विकेट वो तो एक प्रथा है ट्रेंट बोल्ट की, उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल भी रहेंगे मेरी टीम में, टी नटराजन को भी अपने लाइनअप में मैं रखना चाहूँगा। तो ये कुछ प्लेयर मैंने एज अ प्रेफर्ड मार्क कर लिए अपने लाइनअप के लिए। अब जैसे ही मैं जनरेट 5 टीम्स पे क्लिक करता हूँ विद इन अ सेकेंड मेरी टीम्स जनरेट हो जाती हैं अलग अलग वेरिएशन अलग अलग फॉर्मेशन एंड अलग अलग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के साथ। अब इन टीमों को मैं सिंपली सिलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी फैंटेसी में होने वाले लॉस से बचना चाहते हैं तो यूज करिए परफेक्ट लाइनअप का GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। ये GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है अन्य प्लेटफॉर्म पर होने वाले GL कॉन्टेस्ट की तरह, बस एक डिफरेंस है कि परफेक्ट लाइनअप का GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ मैच खत्म होने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आपकी टीम की परफॉर्मेंस, आप कैसे अपनी टीम को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कमियां थी आपकी टीम में, कितना प्रॉफिट हुआ आपको कितना लॉस हुआ, ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं जिससे आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप फैंटेसी में होने वाले लॉस से बचना चाहते हैं और अपने फैंटेसी गेम को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यूज़ करिए परफेक्ट लाइनअप का GL प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट, डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था डिटेल एनालिसिस सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेले जाने वाले इस मैच को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी इंडियन T20 लीग की वीडियो को आप मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप प्लेइंग Fantasy Sports.